देश में 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको कोरोना टीका लगाया जा रहा है। साथ हरीश जी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, मैं हरीश। विगत 1 मार्च के समय से हम लोग मेरे द्वारा पार्षद विश्वदिनी पांडे के द्वारा वार्ड के व्यक्तियों को यहाँ पर ला के कोरोना टीका लगाया जा रहा है। 1 तारीख को जो स्थिति थी सरकार को हमने साझा करके उस स्थिति को सुधारा गया। उस दिन बहुत अव्यवस्था थी, पब्लिक बहुत परेशान थी। आज आप स्थिति जो देख रहे हैं मेरे द्वारा पार्षद विश्वदिनी पांडे के द्वारा, इसको सरकार से अस्पताल के जितने कर्मचारी हों उनसे बात कर करा के इस सुविधा को हम लोग सुधारे हैं। आज आपने भी टीका लगाया है? हाँ, मैंने भी टीका लगाया है। मेरा सेकेंड डोज भी अब लगने वाला है 15 दिन के बाद। तो कोरोना टीका की जागरूकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे लोग? मेरे यानी जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि बोला जा रहा है कि कोरोना टीका लगाने से मर रहे हैं या फिर और कुछ हो रहा है, ये सब गलत है। मैंने भी टीका लगाया है, मैं आपके सामने स्वस्थ होकर खड़ा हूँ। और भी आप अधिक लोगों से भी जानकारी जो अभी हाल ही में टीका लगा रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि टीका लगाने के बाद कुछ नहीं है, टीका लगाना चाहिए। और अच्छे की बात है कि कोरोना वैक्सीन लगा के इस बीमारी से मुक्त हो। आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने भी टीका लगाया और लोगों को जागरूक कर, लोगों को भी टीका लगाने के लिए अवगत किया है। कैमरा पर्सन धनंजय सिंह साहू के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला, टीम NT की रिपोर्ट।